राज्यपाल रमेश डेका ने कहा है कि देश के युवाओं को सक्षम बनाना है ताकि वे शांति और मानव जाति के लिए अपना योगदान दे सके। यह बात राज्यपाल ने आज दुर्ग में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय जूनियर रेडक्रॉस प्रशिक्षण सह सद्भावना शिविर के समापन अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि शिविर युवाओं को न केवल सामाजिक सेवा की भावना से जोड़ता है बल्कि उनमें नेतृत्व और मानवीय मूल्यों का विकास भी करता है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इस प्रशिक्षण यह सद्भावना शिविर में न केवल आपातकालीन सहायता प्राथमिक चिकित्सा और आपदा प्रबंधन के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है बल्कि समाज में मानवता शांति और सहयोग की भावना की बढ़ावा दे रहा है। सामुदायिक विकास सामाजिक समरसता और नैतिक मूल्यों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कार्यक्रम में राज्यपाल ने जूनियर रेडक्रॉस मीट में विभिन्न प्रतियोगिताओं में शामिल विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए। इसमें दुर्ग जिले को ऑल ओवर प्रथम स्थान और बालोद जिले को दूसरा स्थान मिला। इस अवसर पर विद्यार्थियों के द्वारा मलखंब और रेडक्रॉस के प्रार्थना गीत पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। पांच दिवसीय इस शिविर में छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों से जूनियर रेडक्रॉस के सदस्य शामिल हुए।